हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग सच सच बताइएगा, आप सभी को कोई भी अच्छे तरीके से एडिटिंग नहीं सिखाता, ये आप सच सच बताइएगा, ये बात सच है कि नहीं? क्योंकि मेरे भाई, मैं देखा हूँ आप सभी को, सब कोई बोलता है वीडियो में एंड तक बने रहिए, एंड तक बने रहिए, और कोई भी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड बनाना, एंड फेस को वाइट करना कोई भी नहीं सिखाता है मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई, आज आप सबको मैं 110% गारंटी के साथ बता रहा हूँ मेरे भाई, कि आप सबको 100% आपको मैं एडिटिंग सिखा दूंगा, कि बैकग्राउंड को कैसे बनाते हैं एंड फेस को कैसे बनाते हैं। तो मेरे भाई, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल है मेरे भाई, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हमें इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, अपना ओरिजिनल फ़ोटो को ले लेना है। एंड ओरिजिनल फ़ोटो को लेने के बाद मेरे भाई, इसको ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में ओपन कर देना है। ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई, यहाँ लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। एंड लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस का आइकन होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए फटाफट से क्या करते हैं, हम थोड़ा सा क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा चल गया है, तो इसको हम हटा के उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करके, उसके बाद मेरे भाई यहाँ नॉर्मल होगा, नॉर्मल के ऊपर क्लिक करके इसका इसको सॉफ्ट लाइट कर देना है, ठीक है ना। सॉफ्ट लाइट कर देने के बाद मेरे भाई, लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में आना है। लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में आने के बाद ये मीडियम ब्रश को सिलेक्ट करना है। देख लीजिए, यहाँ पर मीडियम ब्रश सेलेक्ट करके सेटिंग आप देख लीजिएगा, सेटिंग को आपको फुल लो को, मतलब ऑब्जेक्टिव को आपको फुल रखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए नीचे के साइड एक बिंदु दिख रहा होगा, बिंदु के ऊपर क्लिक करके यहाँ देखिए मेरे भाई, जो रेड कलर होगा ना मेरे भाई, तो इसको आपका कलर चेंज करना होगा। तो इसको क्या कलर करना है आपको मैं बता रहा हूँ, तो आपको फाइनली इसको येल्लो कलर कर देना होगा, येल्लो कलर आपको इसको रख देना होगा मेरे भाई। उसके बाद डन कर देना होगा, उसके बाद अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं कर रहा हूँ मेरे भाई, सेम टू सेम आप भी अप्लाई कीजिएगा अपने फेस के ऊपर। देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे भाई, मेरा फेस मतलब ग्लो हो रहा है, और आपका भी फेस बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लो हो जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को वॉच कीजिएगा मेरे भाई, और अच्छे तरीके से वॉच कीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से हमारा हो रहा है, तो सेम टू सेम आपका भी होने लगेगा मेरे भाई। बस आपको क्या करना है, आराम आराम से करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर अच्छे तरीके से इधर, सॉरी मेरे भाई, थोड़ा सा बैक आ जाते हैं क्योंकि इधर फालतू चला दिया था मेरे भाई। यहाँ पर भी इसको और इसको भी, चारों तरफ आपको अच्छे तरीके से मेरे भाई अप्लाई कर लेना है। और अप्लाई करने के बाद आपको क्या काम करना है मैं सब कुछ बता रहा हूँ, तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। डन, इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे आना है। लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे आने के बाद मेरे भाई, यहाँ ऑब्जेक्टिव के ऊपर आना है, और यहाँ पर देखिए सॉरी लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करके मेरे भाई, उसके बाद लेयर के ऊपर क्लिक करके, और यहाँ HCL में आ जाने के बाद इसको थोड़ा सा आपको चेंज कर देना होगा, लुमिनस इसका बढ़ा देना होगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से डन कर देना होगा। डन, इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, यहाँ से इस फोटो को क्या करना है, आपको सेव कर लेना होगा मेरे भाई। थोड़ा बहुत आज नॉइस आता होगा, तो इसके लिए सॉरी मेरे भाई, वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, और नॉइस भी आ रहा है बहुत ज़्यादा बाहर से, क्योंकि यहाँ हाला गुला है थोड़ा बहुत। तो मेरे भाई क्या करते हैं, इस फोटो को सेव हो जाने देते हैं। सेव होने के बाद अब आपको क्या क्या काम करना है सब कुछ मैं बताऊँगा, स्टेप बाई स्टेप आप फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले चलिए तो इस फोटो को हम सेव हो जाने देते हैं। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा लोडिंग ले लिया है, और अब शायद फ़ोटो सेव हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम ले लिया है फ़ोटो सेव होने में मेरे भाई। जब भी मेरा फ़ोटो HD क्लियरिटी में होता है तो थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो देखिए यहाँ पर फाइनली हमारा फ़ोटो भी सेव हो चुका है। अब आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, तो जो अभी फ़ोटो को हम सेव किए थे ना, इस फ़ोटो को लेना होगा आपको। तो चलिए थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, और यहाँ पर देखिए शायद आ चुका है फ़ोटो ये, हाँ यहाँ पर देखिए मेरे भाई फ़ोटो आ गया है। उसके बाद क्या करेंगे, इस फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में डायरेक्ट शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे भाई फटाफट से क्या करते हैं, हम शेयर कर देते हैं इसको लाइटरूम एप्लीकेशन में, और क्या क्या काम करना है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताऊँगा, तो प्लीज़ यार वीडियो में इन तक बने रहिए आप लोग। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ ऑल फ़ोटो के ऊपर आ जाना है। ऑल फ़ोटो के ऊपर आने के बाद अपना ओरिजिनल वाला फ़ोटो सेलेक्ट करना है। ओरिजिनल वाला फ़ोटो सेलेक्ट करके लाइट के ऊपर यहाँ क्लिक करना है, एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देना है,
कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम, हाईलाइट को एंड शेडो को बढ़ा देना है। देख लीजिए मेरे भाई, सेटिंग आप सेम टू सेम रखिएगा। उसके बाद वाइट और ब्लैक्स इतना रख देना है। उसके बाद कलर्स को ऊपर आना है, मिक्स को ऊपर आना है, सेकेंड वाले कलर को सेलेक्ट करना है, इसका सेचुरेशन कम करना है, लुमिनस को बढ़ा देना है। बाकी जितना कलर है मेरे भाई, इसको सेचुरेशन डेसेचुरेट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट वाले कलर को सेलेक्ट करके इसका सेचुरेशन बढ़ाना है, लुमिनस बढ़ाना है और ह्यू को थोड़ा सा कम कर देना है। और सेम काम सेकेंड वाले कलर में ह्यू को थोड़ा सा कम करना है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद क्या करना है, इफेक्ट का ऑप्शन पे आना है और क्लियरिटी को बढ़ाना है एंड टेक्सचर को बढ़ाना है। डन, इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, शार्पनेस के ऊपर क्लिक करके शार्पनेस को बढ़ा देना है। उसके बाद नाइट ऑप्शन को बढ़ा देना है, कलर नाइट ऑप्शन को भी बढ़ा देना है। उसके बाद क्या करना है, बिफोर एंड आफ्टर देख लेना है। उसके बाद क्या करना है, इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में से हटा लेना है और अपने फ़ोन का डाटा ऑन कर लेना है। तो चलिए मेरे भाई फटाफट से क्या करते हैं, हम अपने फ़ोन का डाटा ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फाइनली हम अपना फ़ोन का डाटा भी ऑन कर चुके हैं। तो पहले तो मेरे भाई क्या करते हैं, इस फोटो को यहाँ से हम सेव हो जाने देते हैं। उसके बाद क्या क्या काम है सब कुछ मैं बताऊँगा, और उस टाइप की बैकग्राउंड आप कैसे बना सकते हैं, तीन चार तरह की बैकग्राउंड आप बना सकते हैं मेरे भाई, वो भी वन क्लिक में कैसे बना सकते हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो प्लीज़ यार वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले फ़ोटो को लेंगे, और इस वाले फ़ोटो को लेने के बाद मेरे भाई क्या करेंगे, यहाँ से फ़ोटो रूम एप्लीकेशन में शेयर कर देंगे। फ़ोटो रूम एप्लीकेशन में शेयर हो जाने के बाद मेरे भाई थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आप देख लीजिए। तो ऐसे करके कुछ लोडिंग लेगा मेरे भाई। लोडिंग लेने के बाद उसके बाद क्या काम करना है सब कुछ मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, जो भी काम होगा बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। और मेरे भाई मैं आप सबको बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल का एडिटिंग दूंगा आगे चल के मेरे भाई। तो अभी तो आप सबको मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग नॉर्मल एडिट कर ले और नॉर्मल एडिट करना सीख जाए, उसके बाद मैं कुछ अलग टाइप की एडिटिंग करूँगा मेरे भाई और कुछ अलग टाइप से लाऊँगा। तो पहले जो नॉर्मल है मेरे भाई वो सीख जाइएगा, वरना पहले ही हार्ड वर्क देने लगे तो मेरे भाई आप लोग मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाएंगे। क्योंकि पता है मेरे भाई, किसी को भी पहले थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए। अब मान लीजिए कि मेरे को खाना इतना, अब मैं एक बार खा लूँ बहुत ज़्यादा तो मेरे भाई पेट ख़राब होगा कि नहीं। तो इसीलिए मेरे भाई पहले आप थोड़ा बहुत सीखिए, उसके बाद हाई लेवल की एडिटिंग सीखिएगा और अच्छे तरीके से सीखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। फाइनली देख लीजिए मेरे भाई, कटआउट हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपका फ़ोटो दिखेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरे भाई, आपको स्क्रॉल करके जाना होगा, और उस टाइप की कलर ग्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लर के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, ब्लर के ऊपर क्लिक कर देंगे मेरे भाई। क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे के साइड देखिएगा, आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा होगा। बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके और नीचे के साइड जाइएगा, ब्लर आएगा, ब्लर के ऊपर क्लिक करके सेकेंड वाले ब्लर को सिलेक्ट करके इतना पे बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद एडजस्ट के ऊपर आना है और यहाँ पर देखिए सेकेंड वाले कलर को वार्म्थ के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसका वार्म्थ इतना बढ़ा देना है। उसके बाद सेचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, देख लीजिए। उसके बाद ह्यू को छेड़छाड़ करके आपको ये कलर रख लेना है। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, आपको यहाँ से इस फोटो को डायरेक्ट सेव शेयर करना होगा। कहाँ पे, तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो चलिए मेरे भाई फटाफट से क्या करते हैं, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, अब आपको जो कलर पसंद आए वो कलर आप रख सकते हैं, बट मेरे भाई यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और रिमूव के ऊपर क्लिक करके यहाँ फोटो रूम एप्लीकेशन का जो लोगो होगा इसको हम पहले रिमूव करेंगे। तो चलिए मेरे भाई फटाफट से क्या करते हैं, इसको हम पहले रिमूव कर लेते हैं। डन, रिमूव हो जाने के बाद मेरे भाई क्या काम करना है सब कुछ मैं बता रहा हूँ। अगर आप चार पांच कलर बनाना चाहते हैं मेरे भाई, तो इजीली आपको क्या करना है, यहाँ कलर रिप्लेक्स को ऊपर आके इजीली यहाँ से आप जो कलर बेस्ट लगे वो कलर आप रख सकते हैं। ये कलर बेस्ट लगा ये रख लीजिए, जो कलर बेस्ट लगे मेरे भाई वो कलर आप रख सकते हैं। तो मेरे भाई ये वीडियो सिर्फ कलर ग्रेडिंग के ऊपर था कि आप अपने बैकग्राउंड में भी मतलब बैकग्राउंड में आपके जो क्या होता है पेड़ पौधा अगर नहीं है मेरे भाई, फिर भी आप अपने बैकग्राउंड को कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ये वीडियो उसके लिए था मेरे भाई। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं न्यू एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।